हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। आज मैं जो सैलेड डेकोरेशन बताने वाली हूँ वो बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, और बहुत इजी तरीका से मैं बताऊँगी। इसके लिए जो जो वेजिटेबल मैंने यूज किया है उसको मैं पहले बता दूँ। इसके लिए हमने रेड शिमला मिर्च यूज किया है, खीरा, गाजर और मूली। इससे मैं बनाऊंगी और बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स। और इसके अलावा ये चाकू है फ्रेंड्स, कर्ल आकार का चाकू है, पीलर है, और ये सिंपल चाकू है। इन सभी चीज़ों से मैं इसे बनाऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये शिमला मिर्च लेती हूँ, और ये शिमला मिर्च का मैं पत्ती के आकार का कटिंग करूंगी, इसलिए ये मैंने कर्ल चाकू लिया है, और जिसे मैं पेन की तरह पकड़ूंगी। और ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करके फ्रेंड्स, शिमला मिर्च के ऊपर से स्टार्ट करके देखो इस तरह कटिंग करना है। यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह यहाँ, और फिर यहाँ से स्टार्ट किया और फिर इसको यहाँ इस तरह, और इस तरह निकाल लिए फ्रेंड्स। और ये देखो एकदम पत्ती के आकार का है। अगर ये सीधा ना निकले तो हल्का सा आप कटिंग करके ठीक कर लेना। इसे मैं थोड़ा सा पीछे से कटिंग करके ठीक कर लेती हूँ, और फिर पीछे का पोर्शन को थोड़ा पतला कर दूंगी, इतना मोटा नहीं रखूंगी। देखो तो इस तरह बराबर कर देना है फ्रेंड्स, और इस तरह हमारा ये बन गया पत्ती। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह हमने 10 पत्ती बराबर साइज का काट ली हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं खीरा लूंगी और इसे मैं इतना दूरी पर एक कट लगाऊंगी इस तरह। सीधा चाकू से मैं सीधा कट लगाऊंगी और फिर इस पर मैं इस तरह निशान लगाऊंगी, एक सिंपल सा बीच में निशान लगाऊंगी। फिर 1 इंच की दूरी पर दोनों साइड इस तरह निशान लगाऊंगी फ्रेंड्स, इस तरह, और फिर 1 इंच की दूरी पर वापस निशान लगाएंगे बराबर बराबर दूरी पर फ्रेंड्स, इस तरह, और फिर इस तरह बीच में। इस तरह हमारा निशान लग गया फ्रेंड्स। अब मैं इसे नीचे तक इस तरह कट कर दूंगी, पूरा को मैं नीचे तक कट कर दूंगी इस तरह, इस तरह। मैं ज़्यादा नीचे तक नहीं फ्रेंड्स, बस हाफ ही यहाँ तक मैं कट कर दूंगी इस तरह। और फिर फ्रेंड्स मैं इसका बीच का जो भाग है इसे मैं निकाल लूंगी। इसके लिए हम कर्ल चाकू का यूज करेंगे, और इस तरह करके इसका बीच का जो जितना भी पोर्शन है इसे मैं खाली कर लूंगी इस तरह, इस तरह अच्छे से खाली कर लूंगी फ्रेंड्स। इस तरह मेरा ये खाली हो गया है, और इसको बराबर कटिंग कर लेंगे इस तरह। ये कर्ल चाकू से ही होगा, सीधा चाकू से सही नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगी, एक पोर्शन को लूँगी और इसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर और बीच में चाकू को बीच में रखकर इसे गोलाई से मैं काट दूँगी, गोला आकार का इस तरह। और फिर यहीं से जहाँ से हमने शुरू किया था फिर वापस में यहीं से फिर इस साइड भी गोल कटिंग कर दूँगी इस तरह, इस तरह फ्रेंड्स।
इसे हटा लूँगी और ऐसे ही फिर थोड़ा सा ऊपर करके और बीच में रख के ये कटिंग और ये कटिंग के बीच में ये रख कर और इसे मैं गोल कटिंग कर लूँगी यहाँ तक। और फिर इसी तरह मैं इस साइड भी गोल कटिंग कर लूँगी इस तरह। फ्रेंड्स ऐसे ही फ्रेंड्स मैं चारों तरफ एक साइड से और फिर ये दूसरे साइड से गोल कटिंग कर लूँगी चारों तरफ फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह हमने चारों तरफ कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, एकक जो है हमारा इसका मैं ऊपर का परत अलग कर दूँगी इस तरह फ्रेंड्स। और ये पतला परत अलग करेंगे, मोटा कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर का जो हमारा ग्रीन वाला हिस्सा है और पतला में ही कटिंग करें। देखो इतना पतला मैं कटिंग करी हूँ, देखो इतना पतला। पतला करोगे अच्छा बनता है फ्रेंड्स, ये बाहर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरह मैं चारों तरफ इसी तरह पतला कटिंग कर लूँगी इस तरह। हाँ फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ इसका कवर अलग कर दिया है इस तरह फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का हाफ इंच तक इसमें मैं ये कट लगा दूँगी चारों तरफ इस तरह। मैं कट लगा दूँगी, नीचे तक नहीं लगाना है, हल्का हल्का सिर्फ कट लगा देना है इस तरह। इस तरह मैं चारों तरफ कट लग गया फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, एक जो है हमारा देखो इस तरह जो अलग हमने किया है ऊपर का परत, इस तरह मैं इसे उंगली से हल्का सा बाहर की तरफ पुश करूँगी और फिर इसमें ऊपर से एक कट लगाऊँगी इस तरह कट लगाऊँगी और फिर साइड से इस तरह कट लगाऊँगी इस तरह, निशान बन जाएगा फ्रेंड्स। फिर मैं इस तरह ऊपर से कट लगाऊँगी, फिर ये साइड से कट लगाऊंगी। ये देखो ऐसे ही निशान बनता जाएगा। अब मैं इस साइड से भी इसी तरह करूंगी फ्रेंड्स, हल्का सा इस तरह कट लगाऊंगी और फिर इस साइड से कट लगा दूंगी। ये देखो और फिर जस्ट उसके नीचे से फिर इस तरह हल्का सा निशान से कट लगाऊंगी और फिर नीचे से इस तरह कट लगा दूंगी। ये हमारा बन गया फ्रेंड्स। और ऐसे ही मैं हर पंखुड़ी में ऐसे ही मैं बना लूँगी। देखो ऊपर से कट लगाया फिर साइड से कट लगाया इस तरह, फिर ऊपर से कट लगाया और फिर ये साइड से कट लगाया, फिर इस साइड भी ऊपर से इस तरह कट लगाया और फिर ये साइड से कट लगाया और फिर ऊपर से इस तरह कट लगाए इस तरह और फिर ये साइड से कट लगाए। और इसी तरह मैं हर में बना लूँगी फ्रेंड्स, हर पंखुड़ी में बना लूँगी। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह हमने चारों ओर इसका कटिंग कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा कटिंग कर लूँगी ताकि इसे अच्छे से टिक सके इस तरह। और इसे मैं क्या करूँगी, ये जो पानी है ठंडा पानी है फ्रेंड्स, इसमें मैं उल्टा कर इस ठंडे पानी में छोड़ दूँगी ताकि ये पंखुड़ियाँ इस तरह फैल जाए। फ्रेंड्स, ये हमने जो खीरा का कटिंग करके रखा था फ्रेंड्स ठंड पानी में, ये देखो कितना अच्छा खिल गया है, इसकी पंखुड़ियाँ बाहर की ओर आ गई हैं फ्रेंड्स, कितना सुंदर ये लग रहा है। इसे मैं अब पानी से बाहर निकाल लूँगी
पानी से बाहर निकाल लूँगी। लगभग इसे एक घंटा आप ठंडे पानी में रखना, एकदम खिल जाएगा। और या तो फ्रिज नॉर्मल पानी में डालकर फ्रिज में एक घंटा रख देना, बहुत अच्छा ये पंखुड़ियाँ बाहर की ओर निकल आएंगी। हाँ फ्रेंड्स, अब हम ये मूली लेंगे और मूली को अच्छे से ये शार्पनर से जो है हमारा पीलर से इसे अच्छे से पील कर लेंगे फ्रेंड्स। चारों तरफ इसका छिलका मैं अच्छे से उतार लूंगी। इस तरह चारों ओर से अपना छिलका उतार लो। हाँ फ्रेंड्स, इस कदर हमने सारा छिलका उतार लिया है, हटा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसी पीलर के साइड में कटर जैसा होता है फ्रेंड्स, निशान जैसा होता है, उससे बस इस तरह आप लंबा लंबा इस तरह आप चलाओगे थोड़ा सा दबाव डालकर, तो इस पर निशान बनता जाएगा। ये देखो हमारा निशान बनता जा रहा है फ्रेंड्स। और इसी तरह मैं पूरे मूली पर इसी तरह मैं निशान लगा लूँगी चारों तरफ, इस तरह फ्रेंड्स। इस तरह फ्रेंड्स हमने चारों तरफ निशान लगा ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका आगे वाला भाग इस तरह कट कर देंगे और पीछे वाला भाग भी इस तरह कट कर देंगे फ्रेंड्स। और जो ये हमारा मूली है इसका पतला पतला स्ट्रिप्स निकाल लेंगे। इस तरह पतला पतला हम कटिंग कर देंगे पूरे मूली का, इस तरह। इस तरह मैं पतला पतला मूली का कटिंग कर लूँगी। देखो एकदम लचीला सा है, इतना पतला है ये। इसी तरह मैं ईजिली हो जाता है फ्रेंड्स, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपका ईजिली ये कट जाता है। ये देखो कितना आसानी से ये पतला पतला निकल रहा है। ऐसे ही मैं लगभग 15 से 20 स्ट्रिप निकाल लूँगी। इस तरह मैं 15 से 20 निकाल लूँगी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, इस तरह हमने कटिंग कर लिया मूली को फ्रेंड्स, लगभग 20 कटिंग कर ली हूँ फ्रेंड्स। ये देखो कितना ये सॉफ्ट है, आसानी से मुड़ जाता है। अब इसे मैं क्या करूँगी, ये पानी लूँगी, नॉर्मल पानी लूँगी फ्रेंड्स। इसमें मैं आधा चम्मच नमक डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी फ्रेंड्स। और फिर जो हमारा ये मूली है फ्रेंड्स, इसमें डाल दूंगी। ये सारा मूली को इसमें डाल दूंगी फ्रेंड्स। डालने से क्या होगा, ये और सॉफ्ट पड़ जाएगा, जिससे हमारे फ्लावर आसानी से बन पाएंगे। ये लगभग मैं 15 मिनट डाल दूंगी नमक पानी में फ्रेंड्स, और इसे बाहर ही रखूंगी, नॉर्मल पानी में डालेंगे। और ये भी 15 मिनट में एकदम सॉफ्ट पड़ जाएगा, और भी सॉफ्ट पड़ जाएगा। अगर 15 मिनट में ना सॉफ्ट पड़े तो इसे 20 मिनट रख लेना, बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएगा, जिससे आसानी से ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद में ये गाजर लूँगी और गाजर को भी इस तरह चारों ओर अपने पीलर के सहायता से इसे अच्छे से साफ कर लूँगी। इस तरह पूरा साफ कर लूँगी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो अच्छे से ये साफ हो चुका है चारों तरफ। अब मैं क्या करूँगी, इस पीलर के साइड में कट का निशान होता है, कटर जैसा होता है, उसे एक इस तरह निशान बना लूँगी। सिंपल आप इस तरह निशान बना लो। ऐसे ही मैं चारों ओर बना लूँगी फ्रेंड्स, इसी तरह। इस तरह फ्रेंड्स हमने चारों ओर इसके निशान लगा ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसका ऊपर वाला भाग इस तरह मैं सीधा कट कर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, और नीचे वाला भाग भी कट कर दूँगी, और इसका भी पतला पतला एकदम इस तरह निकाल लूँगी, ऊपर से कटिंग कर लूँगी पतला पतला इस तरह। ये देखो फ्रेंड्स एकदम पतला है, सॉफ्टली मुड़ जा रहा है, इतना पतला है। और ऐसे ही आप ध्यान से एकदम पतला पतला कटिंग कर लेना, इस तरह। हो सकता है फ्रेंड्स आपका शुरू में पतला ना कटे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपका ज़रूर पतला पतला कटेगा। एक दो बार टूट सकता है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली ये
कटने लगेगा। इसी तरह फ्रेंड्स मैं लगभग 15 पीस के करीब ये कटिंग कर लूँगी एकदम पतला पतला और ध्यान से इस तरह फ्रेंड्स। इस तरह मैं और भी 15 पीस कटिंग कर लूँगी। हाँ फ्रेंड्स ये हमने कटिंग कर लिया और इसे भी मैं नमक पानी में डालूँगी। इसमें आधा चम्मच नमक मिला लूँगी इस तरह नॉर्मल पानी में। आप आधा चम्मच नमक मिला लो और इसे सारा इसमें डाल दूँगी और इसे लगभग 15 मिनट हम छोड़ देंगे फ्रेंड्स। एकदम सॉफ्ट पड़ जाएगा। अगर 15 मिनट में ना पड़े तो आप 10 मिनट 5 मिनट और छोड़ देना। 20 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएगा फ्रेंड्स, जो कि फ्लावर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये देखो अभी ही कितना सॉफ्ट है, ये मुरझा रहा है। 15 मिनट के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे आपका फ्लावर बनाना आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही सॉफ्ट पड़ गया है। 15 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सॉफ्ट पड़ गया है। ये देखो कितना आसानी से ये फोल्ड हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक किचन टावल लो आप इस तरह, और इस जितना भी मूली का जो स्ट्रिप है फ्रेंड्स इसको इस तरह फैला लूँगी। पूरे को मैं इस तरह फैला लूँगी फ्रेंड्स, इस तरह फ्रेंड्स एक एक करके इस कपड़े पर फैला लूंगी। इस तरह हमने पूरा फैला लिया है फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगी, दूसरा टॉवल से इस तरह मैं रख कर हल्का सा थपथपा लूंगी ताकि इसका पानी पूरा सूख जाए और इसमें पानी ना रहे फ्रेंड्स, चिपचिपा सा नहीं लगे, पूरा पानी सूख जाए। अब देखो इसका पूरा पानी सूख गया है और इसे मैं प्लेट में इस तरह निकाल लूँगी। हाँ फ्रेंड्स इसे हमने निकाल लिया है। अब फिर मैं क्या करूँगी, इसे साइड रख दूँगी और फिर गाजर लूँगी और गाजर को भी इसी तरह फैला दूँगी एक एक करके फ्रेंड्स। जैसे हमने मूली को फैलाई थी वैसे ही मैं इसको भी फैला दूंगी पूरे को इस तरह। इस तरह हमने फैला लिया है फ्रेंड्स और इसके ऊपर फिर दूसरा टॉवल डाल के अच्छे से इसे पूरा पानी को मैं सुखा लूंगी, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स इसमें कितना सारा पानी था, पूरा पानी इसका निकाल लूंगी इस तरह अच्छे से थपथपा कर और फिर इसे भी मैं इस पे निकाल लूँगी। और ये देखो फ्रेंड्स कितना नमक पानी होने के कारण कितना सॉफ्ट पड़ गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट पड़ गया है। ये प्यूरे को मैं उठा लूँगी इस तरह। ये दोनों को हमने अच्छे से पानी से सुखा लिया है निकाल कर फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये जो है हमारा गाजर का जो छोटा साइज का है इसको मैं ऊपर रखूँगी और एक के ऊपर मैं दूसरा रखूँगी फ्रेंड्स, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखूँगी इस तरह, इतना दूरी पर, हाफ इंच की दूरी पर फ्रेंड्स, और छोटा साइज का ऊपर रखूँगी इस तरह। ऊपर मैं 5 रखूँगी, 5 रखूँगी फ्रेंड्स, 5 गाजर का रखूँगी इस तरह। और फिर इसके नीचे फ्रेंड्स मैं मूली का रखूँगी, मूली का जो छोटा साइज होगा छोटा से बड़ा तक रखते जाऊँगी इस तरह, इस तरह फ्रेंड्स। छोटा साइज का मैं नीचे रखूँगी और बड़ा सा ऊपर रखूँगी और बड़ा साइज का नीचे रखूँगी इस तरह। इस तरह लगभग 10-12 पीसेज मैं मूली का रखूंगी। हाँ फ्रेंड्स हमने पहले गाजर का डाला,
5 पीस और लगभग 10 पीस हमने मूली का डाला और वापस फिर मैं गाजर का डालूंगी। लगभग 8 से 10 पीस इस तरह। हाँ फ्रेंड्स, हमने इसे पूरा ऊपर से नीचे तक फैला लिया है। ये देखो, एक लगभग 1/2 इंच की दूरी पर हमने एक दूसरा के ऊपर इसे रख लिया है। ऊपर हमने 5 से 6 गाजर का रखा, फिर मूली का रखा, फिर गाजर का रखा फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर से इस तरह, और फिर फ्रेंड्स हमारा ये जो हमने खीरा से बनाया था फ्रेंड्स, ये इसे भी इसी के अंदर मैं इसे डालूंगी। इसे मैं यहाँ रख लेती हूँ। अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ इस तरह, हल्के हाथों से इसे मैं फोल्ड करूँगी। हल्का सा इसे आगे की तरफ दबाकर इसे फोल्ड करते जाना, एकदम इजीली फोल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इस तरह बिल्कुल इजीली आपका फोल्ड हो जाएगा। ये देखो कितना आसानी से हमारा ये फोल्ड हो रहा है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पड़ चुका है फ्रेंड्स। हल्के हाथों से पकड़ते हुए, चाहो तो आप दोनों हाथ का भी इस्तेमाल करके इसे अच्छे से इस तरह फोल्ड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और फोल्ड करके इसे अच्छे से हाथ से इसे पकड़ कर, और ये जो हमने बनाया है फ्रेंड्स, इसमें इसे इस तरह डाल देंगे। ये देखो, और फिर इसे बीच में इस तरह अच्छे से डाल देंगे और इसे चारों ओर इस तरह फैला देंगे इस तरह फैला देंगे। ये देखो हमारा कितना सुंदर ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं एक गाजर लूँगी और गाजर को अच्छे से इस तरह छील लूँगी। इस तरह मैं चारों ओर अच्छे से छील लूँगी फ्रेंड्स, इस तरह। हाँ फ्रेंड्स, हमने छील लिया है इसे, अच्छे से पील कर लिया है। अब मैं इसके इस चीज़ से इस पर अच्छे से निशान लगा दूंगी। इस तरह देखो निशान लगते जा रहा है फ्रेंड्स, इसी तरह मैं चारों तरफ इसके निशान लगा लूंगी, चारों ओर इसी तरह मैं निशान लगा लूंगी फ्रेंड्स। इस तरह फ्रेंड्स हमारा ये चारों तरफ निशान लग गया। अब मैं इसे मैं पेन की इसे मैं फिर लूँगी फ्रेंड्स, और इससे मैं यहाँ पर इस तरह कट कर दूँगी इस तरह। ये देखो फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पर भी लूँगी और इस तरह कट कर दूँगी, और इसे भी इस तरह कट कर दूँगी, और ऐसे ही मैं ऊपर भी कट कर लूँगी। ऐसे ही छोटा छोटा पीस में कट कर लूँगी फ्रेंड्स इस तरह। इस तरह फ्रेंड्स, और ऐसे ही मैं और भी पीसेज कट कर लूँगी। इस तरह फ्रेंड्स हमने पीसेज को कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक को उठाऊँगी और इसे थोड़ा सा हल्का सा इसे मैं इस तरह शेप दे दूँगी, इस तरह करके, और फिर इधर से इस तरह करके एक शेप दे दूँगी फ्रेंड्स इस तरह। इसी तरह मैं और भी लूँगी और इसका भी इसी तरह मैं यूँ, और फिर यूँ करके एक शेप दे दूँगी सबको बराबर आकार पर, मैं इसका एक शेप दे दूँगी इस तरह। इस तरह फ्रेंड्स, इस तरह, इसी तरह मैं सभी का एक अच्छा सा शेप दे दूंगी।
चाकू के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, बराबर साइज का। इस तरह फ्रेंड्स हमने सभी का कटिंग कर लिया है। अब मैं इस पर रख लेती हूँ सब। इस तरह फ्रेंड्स हमने सब कटिंग कर लिया है। हाँ फ्रेंड्स, अब हमने शिमला मिर्च का भी कटिंग कर लिया है और ये छोटे छोटे जो हमने गाजर से भी कटिंग कर लिया है और ये फ्लावर भी तैयार कर लिया है। अब मैं डेकोरेट करूँगी। इसे मैं साइड कर देती हूँ फ्रेंड्स और फिर एक प्लेट लेती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, एक प्लेट लेती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा फ्लावर है देखो कितना खूबसूरत हमने फ्लावर बनाया है फ्रेंड्स, और कितना आसान था इसे बनाना। और इसे मैं ये बीच में इस तरह रख देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब बीच में रखने के बाद अब मैं ये शिमला मिर्च इस तरह रख देती हूँ। इसके किनारे किनारे चारों ओर में ये शिमला मिर्च और जो हमने कटिंग किया है इसे मैं इस तरह रख दूंगी चारों ओर फ्रेंड्स, एक बराबर साइज में इस तरह। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो हमने इसे चारों ओर रख लिया है और ये कितना अभी ही सुंदर लगने लगा फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत ये हमारा लग रहा है। ये देखो फ्रेंड्स कितना ये खूबसूरत लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, ये जो अपना गाजर है हमने कटिंग किया है इसे मैं लगा लूँगी। एक पंखुड़ी उठाऊँगी फ्रेंड्स और इसे इस तरह यहाँ लगा लूँगी और फिर इस एक यहाँ लगा लूँगी फ्रेंड्स इस तरह, इस तरह, और इस तरह, और इस तरह, इस तरह मैं लगा लूंगी फ्रेंड्स। ये देखो इस तरह लगाकर और इसके ऊपर फ्रेंड्स हमने शिमला मिर्च को इस तरह गोल कटिंग कर दी हूँ और इसे मैं इस तरह रख दूंगी, बीच में ये रख दूंगी फ्रेंड्स। इसी तरह मैं और भी जगह लगा लूंगी सिंपल इस तरह, बराबर बराबर दूरी पर फ्रेंड्स हम इस तरह लगा लेंगे। इस तरह लगा कर फ्रेंड्स और इसके ऊपर भी एक हमने कटिंग करके रखा है शिमला मिर्च का गोल, ये लगा देंगे। इसी तरह मैं चारों ओर लगा दूंगी। हाँ फ्रेंड्स, देखो ये हमने चारों तरफ लगा लिया और हम अपने गाजर को, अब देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ये हमारा गाजर का फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर ये शिमला मिर्च से हम लोग सिंपल कटिंग किए करी हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है। और गाजर का भी कितना सिंपल सा कटिंग है फ्रेंड्स, सब बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और कितना इजी तरीके से हमारा ये डेकोरेशन हो गया। ऐसे ही मैं आपको इजी और सुंदर डेकोरेशन बताया करूँगी फ्रेंड्स, प्लेट डेकोरेशन बताया करूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर लेना फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स भी लिखना फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करती हूँ फ्रेंड्स, और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर डेकोरेशन लाया करूँगी फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।